हेलो गाइस, आज की डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से सिनेमेटोग्राफी कैसे बनाएं एंड उसके कुछ टिप्स भी बताऊंगा। टिप नंबर वन, ऑलवेज शूट इन हाई रेजोल्यूशन विद 60 फ्रेम रेट। ऑलवेज शूट इन हाई रेजोल्यूशन क्यों? क्योंकि जब भी हम हाई रेजोल्यूशन में शूट करते हैं तो हमारी वीडियो की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है और साइड बाय साइड हम इसे बड़ी डिस्प्ले में भी इजीली देख सकते हैं। और इफ एंड एज अगर आप 60 फ्रेम रेट में शूट करेंगे देन आपकी वीडियो मोर सिनेमैटिक तरीके से निकलेगी और साइड बाय साइड आप अपनी 60 फ्रेम की वजह से आप अपनी वीडियो को स्लोमो भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल शॉट्स भी बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस वीडियो को मोर स्टेबल कर सकते हैं अगर आप उसे 60 फ्रेम रेट्स में शूट करेंगे। ये मेरी टिप नंबर वन है और अब हम चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। तो गाइस, टिप नंबर टू है फोकल लेंथ। बेसिकली फोकल लेंथ का क्या रोल होता है, जैसा कि आजकल मोबाइल में आप देख पा रहे हो कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की फोकल लेंथ आ गई है, लाइक एक वाइड एंगल शॉट, एक नॉर्मल 1x जो आपको हर एक फोन में मिलेगा एंड 2x जो कि आपको मोर क्लोजअप शॉट लेने में मदद करता है। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि फोकल लेंथ का बहुत ज़्यादा मेन रोल इसलिए है कि अगर आप कोई भी सीन्स को शूट करने की सोच रहे हैं तो आप उसके 3 डिफरेंट एंगल में शूट कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल पेस में खड़े होकर। अगर आप एक उस एक सिंगल पार्ट का वाइडर शॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप उसी लोकेशन में खड़े होकर शूट ले सकते हैं और वहीं से आप एक क्लोजअप शॉट भी ले सकते हैं। और डिफरेंट एंगल में अगर आप शूट करेंगे तो आपकी सिनेमैटिक या आपकी वीडियो मोर सिनेमैटिक और मोर अमेजिंग निकल सकती है, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत आपने सैंपल में देख लिया है। हमारा सबसे मेन पॉइंट है मूवमेंट, कैमरा मूवमेंट। और सबसे मेन सिनेमैटिक वीडियो क्रिएट करने के लिए कैमरा मूवमेंट होनी ज़रूरी है, तभी आपकी वीडियो में बहुत क्रेजी सिनेमैटिक लुक आएगा। लाइक आप इसमें पुश इन पुश आउट मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन पुश इन पुश आउट मूवमेंट भी तभी मज़ेदार लगती है जब आप उसे वाइडर व्यू में ले। तो बेसिकली अगर आप वाइड व्यू में पुश एंड पुश आउट शॉट लोगे तो बहुत अमेजिंग आएगा, एक आपका ये हो गया। एंड सेकेंड, अगर आपको शॉट लेना है तो टिल शॉट ले सकते हैं, दूसरा शॉट लेना है तो पैन शॉट ले सकते हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि उसको किस तरीके से लेना है। आपको पता है कि कैमरे में शूट करते समय जब भी हम कोई शूट करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन, कैमरे की पोजीशन एक परफेक्ट लोकेशन में रखनी पड़ती है, तब जाके वो क्रेजी शूट आता है। तो इट्स अप टू यू। तो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ग्रेट टॉपिक्स। बाय, टेक केयर। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाहर का मौसम कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग हो गया है, पीछे का बिल्कुल ही माहौल बदल चुका है।